पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। शुरुआत पंजाब की खबर से। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए छठे वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है। सीएम ने इस बारे में फैसला पंजाब भवन में सरकार, बोर्ड और कॉरपोरेशन के अलग अलग कर्मचारी संगठनों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के दौरान लिया। कर्मचारी यूनियनों की एक और मांग को भी मंजूर करते हुए सीएम ने ऐलान किया कि कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 1 जुलाई 2015 से लागू 6% महंगाई भत्ते की किश्त जनवरी 2016 से अदा की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब के सियासी पारे की, जो शिखर पर है। सियासतदानों के बयानों की धार भी तीखी हो गई है। सारी पार्टियों के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। बयानों में आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन जहन में आपको लेकर फिक्र जरूर नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का यह जवाब कई सवाल खड़े कर रहा है। जिस आम आदमी पार्टी को अकाली दल बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहा है, उस पार्टी के कन्वीनर से उप मुख्यमंत्री अनजान हैं। सुखबीर बादल का यह जवाब आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर के सवाल पूछने पर आया है। लेकिन छोटेपुर की दलील है कि सुखबीर को सब कुछ विरासत में मिला है। हंकार की भाषा है कि वह बदकिस्मती है कि वह अकाली दल का प्रधान है तो होम मिनिस्टर है। वह काम करके कोई मेहनत नाल अहुदे नहीं मिले, उन्होंने ये अहुदे इस करके मिले कि प्रकाश सिंह बादल का मुंडा है। सुच्चा सिंह छोटेपुर से उप मुख्यमंत्री बेशक अनजान है, लेकिन राज्य की सियासत में पैर पसार रही आम आदमी पार्टी की दस्तक से परेशान है और कार्यकर्ताओं को नारा दे रहे हैं कि पंजाब बचाओ आप भगाओ। पंजाब बचाओ आम आदमी बचाओ है बेईमान तो आम आदमी वाले है ना। आम आदमी पार्टी बेईमान की पार्टी है। वो कहते हैं पंजाब नहीं बचाओ, वो कहते परिवार बचाओ, मेरा परिवार बचाओ, पंजाब पाए तबाह हो जाए। उधर नकोदर रैली में मुख्यमंत्री बादल के हमलावर रुख पर भी विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। सुखबीर बड़ा गुस्से च बोल रहा, मेरा भी दिल कर बैठा गुस्से च बोलन। ये सियाने कहते रब नहीं डांगी मारदा, मत वली दे, इन्हों मत वली आ गई है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बेशक आम आदमी पार्टी को चुनौती ना माने, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी राय कुछ अलग है। बिना बूथ लगाए हुए भी ये 4 MP इनके जीत के और तकरीबन 37 असेंबली हलकों में से पंजाब में इनकी लीड थी। मैं समझता हूँ पंजाब में ट्रायंगुलर फाइट होगी और बहुत गह गच मुकाबला होगा। पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला तिकोना बना दिया है। सत्ता में हैट्रिक लगाने के सपने देख रहे अकाली दल के लिए आम आदमी पार्टी की सरगर्मियां फिक्र बढ़ाने वाली हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक की तरफ से सूबे में 4 महीने में नशा खत्म करने के दावे पर विरोधी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विरोधी पार्टियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। हम आपको ये आश्वासन दिला सकते हैं कि अगर 4 महीने में नशा पंजाब में बंद ना किया तो हम खुद छोड़ देंगे पॉलिटिक्स। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर की तरफ से नशे के मुद्दे पर दिए गए इस बयान ने ठंड के दौरान राज्य की सियासत को गर्मा दिया है। नशे के मामले पर काफी वक्त से राज्य में शोर मचा हुआ है। आपने डोप टेस्ट और नशों पर रोक लगाने का मुद्दा उठाकर विरोधी पार्टियों को निशाने पर लिया। हालांकि दूसरी पार्टियों ने इस बयान को सिर्फ एक शगुफा करार दिया है। हम आपको ये आश्वासन दिला सकते हैं कि अगर 4 महीने में नशा पंजाब में बंद ना किया तो हम खुद छोड़ देंगे पॉलिटिक्स। ड्रग माफिया तो 4 महीने पहला बोरी बिस्तरा बात कर जू, इतों ओदी 4 महीने की लोड़ नहीं, ओदा सरकार बदलने की लोड़ है। सरकारां दा बड़ा वड्डा रूल है, प्रशासन दा बड़ा वड्डा रूल है करप्शन नूं अरेस्ट करने वास्ते या ड्रग दा जिहड़ा मैनेज है उहनूं खत्म करने वास्ते और परिवार ड्रग्स दे फील्ड विच खास करके
परिवार को भी जी अपनी भूमिका निभानी पेगी। हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश के दौरान सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अकाली कांग्रेस के फ्रेंडली मैच खेलने का इल्जाम लगाया था, तो विपक्ष ने दिल्ली में केजरीवाल और सुखबीर की मुलाकात का जवाब मांगा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा किया कि एक टर्म कांग्रेस आ जाती थी, दूसरी टर्म अकाली आ जाते थे, दोनों का एक से दूसरे से फ्रेंडली थे। एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई दोनों के बीच है, दरअसल दोनों को आम आदमी पार्टी से डर है। आम आदमी पार्टी उभारन वाला ही सुखबीर बादल है। उदी एक सोच है कि पिछली बार उन्हें एक वक्रा धड़ा जिहड़ा सीगा पीपी वाला उदे बेस दे वो जदों वो इलेक्शन लड़िया था तां उदी सरकार बन गई, वोटां जिहड़ियां वंडियां गईयां उत्थे मुख्यमंत्री तनखा जिहड़ी है वो प्राइम मिनिस्टर नालों वध हो गई है और एमएलए दीआं तनखावां जिहड़ियां वो मैंबर पार्लीमेंट नालों वध हो गईआं। इह तां जरूर उन्होंने कीता है, बाकी कोई होर वादे पूरे कीते होण सुनण च नहीं आए। जे उत्थे केजरीवाल साहब नहीं वादे पूरे कर पा रहे ते छोटेपुर साहब की करेंगे। सियासतदानों में गरमाई इल्जामबाजियों ने राज्य में पूरी तरह से चुनाव माहौल को गरमा दिया है। हर पार्टी हर मुद्दे पर जनता की कचहरी में खुद को पाक साफ बताने में जुट गई है। बयानबाजियों के साथ राजनीतिक फिजा बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन बयानबाजियों का लोगों के जहन पर कितना असर होगा इसका फैसला चुनावों के दौरान होगा। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर एक बार फिर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम की दलील है कि फर्क सिर्फ ये है कि अब तक जो काम कैप्टन करते आ रहे थे वो अब बाजवा करेंगे, लेकिन सुखबीर के इस बार का बाजवा ने उसी अंदाज में पलटवार किया। कैप्टन के कमान संभालने के बाद धड़ों में बटी कांग्रेस की एकजुटता के दावे हो रहे हैं, लेकिन अकाली दल को इन दावों में ज्यादा वजन नजर नहीं आता। लेकिन आला कमान के फैसले के बाद गुमसुम बाजवा की दलील है कि बठिंडा रैली के लिए उन्हें निमंत्रण मिल चुका है और वो रैली में जाएंगे। नहीं, गैप नहीं होया और पूरी तैयारी चाहिए। जिम्मे कैप्टन साहब लगे, बाजवा लग गया। सिंह बादल को कहता हूँ कि ये आपकी एक सोच होगी या आपका एक सपना होगा जिस सपने को आप लेकर चल रहे हो। प्रताप सिंह बाजवा का जन्म कांग्रेस में हुआ है और पंजाब प्रताप सिंह बाजवा की जो मौत है वो भी कांग्रेस में होगी। अकाली दल की तरफ से मिली चुनौती के बाद हो रही इस रैली के लिए बनाए गए कन्वीनर लाल सिंह को बदलने के मुद्दे पर गरमाई सियासत के दरमियान, लाल सिंह का दावा है कि इसके पीछे उनके निजी कार्यक्रम वजह है। पटियाला में हुई मीटिंग में राजेंद्र कौर भट्टल के न पहुँचने पर भट्टल से मतभेद पर इनकार किया। बेनती की मेरे ते आप टेंशन बड़ी है, मेरे घर च मबलजा, मैं पूरा वक्त नहीं दे पाऊंगा, इस करके मेरी थान से किसी होर नूं ला दो। असी उत्थे ही बैठ के एक घंटे बाद बंदा बदलिया, कमेटी बनाई, बाद च चर्चा नवे नवे अपने अपने तरीके नाल, किसी ने कुछ नूं रंग देता, किसी ने मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल असी सारे इकट्ठे आ। कोई गल, मैनूं उहनां दा फोन आया सीगा, अमृतसर जाण वेले भी आया सी कि अमृतसर आपां जाणा इकट्ठे, लेकिन इतफाक नाल उद्दे भी मैं अपने हल्के च आउण दा रूट सीगी वेले ते सी। इवें जिवें मीटिंग वेले दा मीटिंग ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਕੋ ਵਕਾਰ ਕਾ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੈਲੀ ਕੋ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਨਤੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਗਰਮਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਪਟਿਆਲਾ ਸੇ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। पंजाब कांग्रेस में विपक्ष के नेता के चुनाव को लेकर गतिविधियां जोरों पर हैं। मोहर किस नाम पर लगेगी अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इस दौर में कई चेहरे शामिल हैं। फिलहाल सभी दबी जुबान में आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मेरी आज कोई डिमांड नहीं, जो तो वक्त आऊंगा उस वक्त मैं डिमांड करूंगा। सीनियर नेता राजेंद्र कौर भट्टल आला कमान से किस मांग का संकेत कर रहे हैं? विपक्ष के नेता की दौड़ में शामिल होने या ना होने के बारे में पूछे गए सवाल पर भट्टल बेशक अपनी दावेदारी को आलाकमान पर टाल गए, लेकिन भविष्य में किसी बड़ी मांग की तरफ इशारा भी कर गए कि इस वेले कोई अहद्या दी जां होरां दी दौड़ दा सानू नहीं है। तुसी जिस तरह ठीक समझ के जिन्हों करना चाहते हो, कोई कास्ट कॉम्बीनेशन करना है, किसी और माइनोरिटी देना है, जिन्हों मर्जी दियो, मेरी अज कोई डिमांड नहीं, जो वक्त आऊगा उस वक्त मैं डिमांड करूंगी। उधर विपक्ष के नेता के चुनाव के लिए कश्मकश जारी है। चर्चा ये है कि कांग्रेस के अंदर कई नेता विपक्ष के नेता के तौर पर अपना दावा ठोक रहे हैं। नए बने वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल सिंह और वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन सबकी नजर आला कमान पर है। जो हाई कमांड फैसला करेगी, जो कि मैं अगे भी बनाया
मैं अगर मंगन नहीं गई, अगर मैं घर बैठी नहीं, मैं अहदे मिले है कि नहीं। भट्टल के भविष्य को लेकर क्या मांग है ये स्पष्ट नहीं, लेकिन कैप्टन की सरकार के वक्त दिल्ली दरबार में अपने हिमायतियों के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भट्टल ने डेरा डाले रखा था। ये बात अलग है कि भट्टल को इसमें थोड़ी सफलता मिली थी और उप मुख्यमंत्री के ओहदे के साथ ही सबर करना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, 2012 के नतीजों से ठीक पहले भट्टल ने अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में बताकर राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया था। अवतार गिल, जी मीडिया, पटियाला। चलिए पंजाब से अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान किए जाएंगे। इसके लिए 1, 3 और 5 जनवरी 2016 की तारीख तय की गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायती राज चुनावों से रोक हटाई तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनावों के दूसरे चरण पर काम तेज कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त ने शिमला में इसे लेकर घोषणा भी कर दी। उन्होंने जानकारी दी कि 15, 16 और 17 दिसंबर को नामांकन भरे जाएंगे। कांगड़ा को छोड़ के और म्यूनिसिपल कमिटीज को छोड़ के इलेक्शन का नॉमिनेशन होगा 15, 16, 17 और विड्रॉल हमारा होगा 21 को। टीसी नेगी ने बताया कि दूसरे चरण के ये चुनाव 1, 3 और 5 जनवरी 2016 को होंगे। कांगड़ा जिले में फिलहाल चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होंगे और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। टिंग होगा 3 फेजेस में, एक तारीख को जनवरी 2016 और 3 तारीख को 2016 और 5 तारीख को 2016। पंचायतों के जो वोट्स होंगे वो उसी समय 3 बजे के बाद काउंट किया जाएगा। काउंटिंग और रिजल्ट भी उसी रात को डिक्लेयर किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि जिला परिषद पंचायत समिति की मतगणना 7 जनवरी को होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति है उसका 7 तारीख को काउंटिंग होगा और कंटिन्यूस होगा और रिजल्ट भी उसी दिन डिक्लेयर किया जाएगा। 8 तारीख को हमारा पोल का सारा प्रोसेस इसमें कम्प्लीट माना जाएगा। दूसरे चरण की हजारों पंचायतों में होने वाले पंचायती राज चुनाव में लाखों मतदाता कई हजार उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हरियाणा की खट्टर सरकार ने शिक्षा विभाग के 55 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। गेस्ट टीचर्स की भर्ती मामले में फर्जीवाड़े के आरोपी इन अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। आपको बता दें कि गेस्ट टीचर्स की ये भर्तियां प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। हरियाणा में अधिकारी स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग के 55 अधिकारियों को सरकार ने चार्जशीट किया है। ये कार्रवाई हुड्डा सरकार के दौरान सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के मामले में की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपियों से जुर्माना भी वसूलने का फैसला लिया गया है। 55 अधिकारियों की चार्जशीट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है, इन अधिकारियों ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति में विशेषकर शैक्षणिक योग्यता के नियमों को दरकिनार किया। जांच के दौरान कुछ अधिकारियों ने अपना पक्ष नहीं रखा। कई अधिकारियों ने अपने पक्ष में जो दलीलें दी वो तर्कसंगत नहीं पाई गई, इस वजह से इन्हें चार्जशीट किया गया। गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की जांच करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त इन सभी अधिकारियों की सूची तैयार की गई थी। आरंभिक जांच के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जांच के दौरान भी इन अधिकारियों की पदोन्नति होती रही। हालांकि चार्जशीट होने से अब अधिकारियों की सर्विस बुक में रिकॉर्ड चढ़ेगा और उनकी प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा। 4 डेप्यूटी डायरेक्टर, 2 डेप्यूटी DEO, 2 DEEO, 7 BEO, 6 BEEO। अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं को लेकर हुई कार्रवाई से सबसे ज्यादा 34 सरकारी स्कूलों में पूर्व और वर्तमान प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि साल 2005 से 2008 तक गेस्ट टीचर्स की भर्ती हुई थी। आरोप लगे कि भर्तियों में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। उदाहरण के तौर पर एक अधिकारी ने एक टीचर की नियुक्ति एसएस मास्टर के पद पर साल 2007 में कर दी और उस टीचर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई में शामिल इतिहास विषय को साल 2009 में पास किया। इसी तरीके से जिस शख्स को जो सब्जेक्ट बतौर टीचर दिया गया उस अभ्यर्थी के पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महिला एसपी और कैबिनेट मंत्री के बीच हुए विवाद से सामने आई हरियाणा के फतेहाबाद जिले की नशे की समस्या गहराती जा रही है। जी मीडिया के कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे सरहदी इलाके के गांव में नशा पांव पसार रहा है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये आहट है उस खतरे की जो पंजाब की जवानी को खोखला करने के बाद अब हरियाणा को अपनी आगोश में ले रहा है। वो चार पांच लड़के रुक जाते हैं, शायद सुन भी लेते अगर कैमरे में सब कुछ कैद ना होता। मुमकिन ये भी है कि सौदा भी सिरे चढ़ जाता, 100 रुपए में एक पुड़िया। पुड़िया, ये गांजे की पुड़िया जिसे बेचने के लिए हरियाणा के फतेहाबाद के सरहदी गांव में आते हैं नशे के सौदागर। सामान बेचकर गायब हो जाते हैं। बमुश्किल जब नशे के एक सौदागर को हमने सच बताने को राजी किया तो जो उसने कहा वो कई कड़वे सच बेपर्दा करता है। ये भी नशा में कारोबार जी, सब बंदे पीते हैं ये देखो जी, अब किसी से मुंह तो पकड़ा नहीं जाता। पंजाब से आते हैं क्या? नहीं जी, पंजाब से नहीं आता, ये दिल्ली वगैरह यहाँ से आता है जी। सुना आपने, सभी करते हैं ये काला कारोबार, और वजह कोई एक दो नहीं, कितनी सारी हैं। पर क्या सभी नशा ही करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं। गांव के कुछ नौजवान, कुछ संस्थाओं से जुड़े लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये सूरत बदले। हालांकि सूरत बदलने की कोशिशों में तबादले की तस्वीरें तो जुड़ी, पर हालात जस के तस। आज भी वो नशा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, वैसे नजर नहीं आ रहे। आप अभी आप मान लो देख के आए, नशा मिल रहा है जो हमारे गांव में जो है ना, जितने भी किराने की दुकानें हैं हो रहे, इस पूरे गांव के अंदर जो भी है हर तरह की नजायज शराब वगैरह बिक रही है। गांव की जो भी यूजअप पीढ़ी है वो सारे जो है शराब की लत में पड़ गए हैं। प्रशासन से कई बार गाँव की पंचायत ने और मांग की है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना कोई कार्रवाई हो रही। मामला सरहदी इलाके का था तो इसलिए सरहद पर भी एक बार जाकर हमने देख ही लिया कि आखिर हो क्या रहा है। अब इसे कैमरे का कमाल कहें या नाक का सवाल, पुलिस के मुलाजिम कार्रवाई करते नजर आए, कुछ एक गाड़ियों को रोकते, चेकिंग करते। हमने पूछा तो बताया भी, नशा लेके आता है, कुछ कागज नहीं है, कोई चोरी का व्हीकल है या कोई ऐसा संगीन व्यक्ति आता है, उनकी चेकिंग होती है। रास्तों पर मुलाजिम नाके लगाकर चेकिंग कर रहे हैं तो फिर नशे का दरिया किस रास्ते से आ रहा है? तस्वीरें सबूत हैं। पुलिस के आला अधिकारियों तक कैमरे में रिकॉर्ड इन्हीं तस्वीरों के जरिए सबूतों को पहुंचाने की कोशिश हुई तो नए तैनात एसपी साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप खुद सुन लीजिए। जनाब, इस बेहद अहम मुद्दे पर जब आप खुद कुछ नहीं बोलेंगे तो पीआरओ क्या कहेंगे? और अब सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, अब कुछ करने की जरूरत है, वरना पुड़ियों में बंद ये जहर इलाके की जवानी को पोटलियों में बंद करने में देर नहीं लगाएगा। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू के लिए एक सख्त फैसला लिया कि शहर की सड़कों पर एक ही गाड़ी हर रोज नहीं दौड़ेगी, एक दिन ऑट तो एक दिन केवल E1 नंबर्स की गाड़ियां ही सड़कों पर निकलेंगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से जींद के डीसी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जींद के ऑटो चालकों के लिए भी यही फैसला सुना दिया। जींद की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या आम है, हर रोज हजारों लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। अब जींद के डीसी ने शहर को जाम की समस्या से निजात दिलवाने के लिए एक सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। ये फैसला दिल्ली के ओड इवन नंबर्स की गाड़ियां चलाने के तर्ज पर लिया गया है।
लेकिन यहां इस फैसले का निशाना निजी वाहन नहीं बल्कि शहर की सड़कों पर दौड़ रहे करीब 6000 तिपहिया वाहन ऑटो हैं। इस नियम को 5 दिसंबर से शहर में लागू कर दिया गया है। अब नियम तोड़ने पर चालान काटे जाएंगे। तो एसपी साहब और डीसी साहब ने आदेश दिए हैं, उनकी पालना की जाएगी और जिन्होंने रोके हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो गलत नंबर के थ्री व्हीलर चला रहे हैं उनके चालान किए जाएंगे। कब से अभी से चालू है। डीसी के इस फैसले से ऑटो चालकों की चिंता गहराने लगी है। ऑटो चालकों का कहना है कि केवल 15 दिन ऑटो चलाने से कमाई नहीं होगी। ऑटो चालक प्रशासन से तुरंत फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भाई साहब चक्कर मेरे ख्याल में इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब? फर्क तो पड़ेगा, कहाँ से किस्त भरेंगे भाई साहब? हम तो रोड पे आ जाएंगे भाई साहब। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, हमारी ऑटो परमानेंट चलनी चाहिए और जो कानून के दायरे में है जैसे भी है हम उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन हमारी ऑटो परमानेंट चलनी चाहिए। प्रशासन से हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहे हैं बाकी ना हमारी गाड़ी लगातार चलनी चाहिए। जिस भाई को जितना भाग्य का मिलेगा वो अपने घर अपने बच्चों के लिए रोटी पानी लेकर चले आता। प्रशासन का कहना है कि बेकाबू ऑटो चालकों को काबू करने के लिए एक सख्त फैसले की जरूरत थी। अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मीटिंग की जिस तरह हमने पहले लास्ट वीक बैठ के जो बातें की थी, जो प्रस्ताव पारित किया था आपस में बैठ के, तो उसी के आधार पर चलाए जाएंगे। अगर किसी को इसमें एतराज है और वो इस तरह कोई रोड़ा अटकाएगा तो उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन होता है वो हम लेंगे उसके खिलाफ। इस फैसले के लागू होने से सड़कों पर ऑटो की तादाद आधी हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलवाने में भी ये खासा मददगार साबित हो सकती है। लेकिन इससे कई घरों के चूल्हों पर भी खतरा मंडराने लगा है। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद। चलिए अब रेवाड़ी की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जिला प्रशासन भले ही शहर के सौंदर्यकरण को लेकर दावे करे लेकिन रेवाड़ी की यातायात व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है कि चौपहिया वाहन तो दूर दोपहिया वाहनों का भी सड़कों से निकलना दुश्वार हो गया है। शहर में ट्रैफिक जैम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। रेंग रेंग कर चलते ये वाहन, यातायात जाम में फंसे ये लोग और पुलिस बूथ में तमाशबीन बनी ट्रैफिक पुलिस। ये नजारा है प्रदेश के दक्षिणी छोर पर स्थित रेवाड़ी शहर का, जहां के लोगों के लिए ये समस्या अब असहनीय हो चली है। मुश्किल ये है कि लोगों के पास इस जाम की समस्या के लिए प्रशासन को कोसने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। प्रशासन कम है जो जाम को सुलझा नहीं पाता। अभी देखा है कि रेड लाइट लगी है, रेड लाइट क्यों? प्रशासन ने अपने पैसे कमाने के लिए लगाया हुआ ये सब। मेरे को लग रहा है दादली ऊपर से नीचे तक कमीशन के रूप में रेड लाइट लगे हुए, आज से 3 साल से ज्यादा हो गए लेकिन ये सारू काम नहीं है। शहर के सर्कुलर रोड पर अतिक्रमण के साथ ही ऑटो की लंबी तादाद ट्रैफिक व्यवस्था को और ज्यादा लचर बना देती है। इसके अलावा रेहड़ी वाले भी ट्रैफिक समस्या को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सर जाम लगने का कारण सबसे बड़ी हमारे प्रशासन का ढील बरतना है। एक सड़क हमारी छोटी है जिसमें आधी सड़कों पर तो ऑटो खड़े हो जाते हैं और आधी सड़कों पर कचरी वाले बैठे हैं, तो ट्रैफिक निकलेगा कहाँ से? वजह तो कोई नहीं है सर, ये बस ऐसे ही है। गाड़ी वगैरह कुछ तो हमारे ऑटो वाले भी हैं, कुछ गाड़ी वाले भी हैं, ये भी जाम तो सभी लगाते हैं। रेवाड़ी में जाम के इस झंझट को खत्म करने के लिए अब एसपी साहब कह रहे हैं कि जल्दी ही पार्किंग जोन बनाकर लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाएगा। 2 क्रेनें हम हायर कर रहे हैं और एक पार्किंग लॉट भी आइडेंटिफाई कर लिया, रेड क्रॉस उसको मैन करेगा। जो अनऑथराइज तरीके से इस प्रकार की स्कूटर मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा जो कुछ भी खड़ी होंगे सर्कल रोड के ऊपर, उनको जो क्रेन जो है ट्रैफिक और रेड क्रॉस के आदमी उसके अंदर होंगे वो उसको पिक करेंगे और उसको में चार्ज जो किया जाएगा वो हर घंटे के हिसाब से किया जाएगा। प्रशासन ने एक बार फिर भरोसा ही दिया है। अब देखना है कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम की इस समस्या से कब तक सही मायने में निजात मिल पाती है। अनिल रस्तोगी, जी मीडिया, रेवाड़ी।